वेल दोस्तों, सोलैंड की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम तांगचेन के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर इस वक्त यहाँ पर तांगचेन कहाँ है, और अगर यहाँ पर तांगचेन उस वक्त जालिम पास के जंग के मैदान पर आ जाता तो आखिर वहाँ का नजारा क्या होता। तो अब और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए अब यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर तांगचेन अब तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल मास्टर है, जिसकी रैंक यहाँ पर 99 की है, और उसके पास यहाँ पर सभी सोल मास्टर्स में से अब तक की सबसे पावरफुल स्प्रिट है। और साथ ही तांगचेन ने यहाँ पर वह बंदा है जो कि यहाँ सभी हाउटिन हैमर्स के वॉरियर्स में से सबसे पावरफुल क्लियर स्काई हैमर को भी होल्ड करता है, और उसके यहाँ पर क्लियर स्काई हैमर की स्प्रिट सभी सोल मास्टर में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब यहाँ पर इन सभी चीजों को जानने के बाद सभी के मन के अंदर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि आखिर यहाँ पर क्या होता जब तांगचेन जालिंग पास की जंग के मैदान पर आ जाता, और फिर वो यहाँ पर तांग हाओ और तांगशिंग के साथ मिलकर वुहान एम्पायर के स्प्रिट मास्टर्स का सामना करता। और तांगशिंग ने भी यहाँ पर तांगचेन से कुछ ऐसा ही कहा था जब उसकी मुलाकात यहाँ पर सादो फॉरेस्ट के अंदर अपने ग्रैंडफादर तांगचेन के साथ हो गई थी। हालांकि वहाँ पर उस वक्त तांगचेन भी यही चाहते थे कि यहाँ पर त्यान द एम्पायर वुहान एम्पायर को हराए और उनसे अपनी गद्दी वापस ले। और फिर तांगशिंग भी वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर तांगचेन को मनाने की कोशिश करता है कि वे उसके साथ आकर त्यान द एम्पायर की फौज का साथ दे, ताकि वे साथ मिलकर वुहान एम्पायर को हरा सके। और अगर यहाँ पर तांगचेन अपने असुरों की शॉट को लेकर जालिंग पास पर आ जाते तो न ही यहाँ पर विलविडांग और न ही ज्ञानदौला तांगचेन के इन पावर्स का सामना कर पाते, और फिर यहाँ पर मिलती वुहान एम्पायर को त्यान द एम्पायर के हाथों एक करारी हार, जिससे कि फिर यहाँ पर शायद वुहान एम्पायर कभी भी उभर नहीं पाते। पर हमें ऐसा होता हुआ एपिसोड्स के अंदर देखने को नहीं मिला। और जब यहाँ पर तांगचेन ने अपने ग्रैंडफादर को आने के लिए पूछा तो यहाँ पर तांगचेन ने उसे साफ मना कर दिया, और इसका यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन निकलता है कि चूंकि यहाँ पर तांगचेन की बॉडी को सालों तक स्लॉटर किंग ने पोजेस करके रखा था, और दिन ब दिन यहाँ पर उसके बॉडी के अंदर से उसके ऑरा को खींच कर उसकी बॉडी को करोड़ कर रहा था, तो यहाँ पर इन सालों में तांगचेन काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। हालांकि जब इस वक्त यहाँ पर तांगचेन का सामना तांगशिंग के साथ होता है और तांगशिंग यहाँ पर अपने सीकर का ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करता है, तो फिर सी गॉड के उस रेडियंस के कारण यहाँ पर तांगचेन स्लॉटर किंग की उस कैद से आजाद हो जाते हैं। पर चूंकि यहाँ पर तांगचेन सालों तक स्लॉटर किंग की बॉडी के अंदर कैद थे, तो यहाँ पर अब उनकी पूरी बॉडी काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर तांगचेन अब भी जिंदा थे, पर अभी यहाँ पर उनकी बॉडी अपने इनिशियल पावर लेवल्स पर नहीं थी। तो फिर वह यहाँ से अपने क्लैन के जिम्मेदारियों को तांगशिंग के ऊपर सौंप कर यहाँ से अपने आखिरी सफर पर जाने का डिसाइड करते हैं, और फिर यहाँ से आगे जाकर अपने कुछ बचे आखिरी लम्हों को सीकॉट कैलेंड पर अपने प्यार बुजाक्सी के साथ बिताना चाहते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर तांगचेन के अंदर अपने क्लैन को लेकर काफी रिस्पेक्ट होती है, और वे यहाँ पर कहीं न कहीं अपने क्लैन की भी मदद करना चाहते हैं ताकि वे वुहान एम्पायर का सामना कर सके। पर यहाँ पर तांगचेन ने ऑलरेडी किसी से एक लंबे अरसे पहले एक वादा किया था, और वह शख्स अभी यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। और उस वादे के तहत जब यहाँ पर तांगचेन एक देवता बन जाएगा तो वह आखिरी बार उससे मिलने जरूर आएगा। और जब इन सालों में यहाँ पर तांगचेन ने अपने उसके वादे को साकार कर लिया है, तो वह यहाँ से जाकर उस इंसान से मिलना चाहता है और उसे आखिरी बार दिखना चाहता है। और वह इंसान यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बुजाक्सी होती है। और फिर यहाँ से तांगचेन सीधे सी गॉड के आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। पर जो बात यहाँ पर तांगचेन को पता नहीं होती है, और जो बात यहाँ पर तांगचेन सभी से छुपा रहे होते हैं, और वह बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर तांगचेन अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं, और जो कि यहाँ पर इन काफी सालों में स्लॉटर किंग ने उनकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, तो अब यहाँ पर तांगचेन के पास काफी कम समय बचा होता है। तांगचेन के पास यहाँ पर होते तो दो रास्ते हैं कि वह यहाँ से आगे जाकर जालिंग पास के बैटलफील्ड पर मरे, या फिर वह अपने आखिरी लम्हों को अपने प्यार के साथ बिताए। और यहाँ पर तांगचेन अब इस दूसरे रास्ते को चुनता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगचेन के पास सी गॉड कैलेंडर पर सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है, और वह यहाँ पर अपने इन आखिरी 3 दिनों को बुजाक्सी के साथ बिताता है। और फिर 3 दिन के बाद जो कि यहाँ पर तांगचेन की बॉडी जो कि अब तक काफी बुरी तरह से डैमेज्ड हो चुकी थी, और जो कि अब उसने यहाँ पर अपने आखिरी लम्हों को जी लिया होता है, तो फिर वह यहाँ से एक सकून की नींद सो जाता है, और यहाँ पर उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़कर डिवाइन रियल में चली जाती है। पर जाने से पहले यहाँ पर तांगचेन
पीछे छोड़ जाता है अपनी असुरा की सौड़, जो कि अब वह यहाँ पर सिकॉर्ड कैलेंडर पर अपने सौड को तांक्षने के लिए एक मोमेंटो के तौर पर छोड़ जाता है और अब उस सौड में अपनी बची कुची पावर्स को भी डाल देता है। और जब यहाँ पर तांक्षिंग अपने सिकॉर्ड का 9 ट्रायल्स को कंप्लीट करने के लिए वापस सिकॉर्ड का हाइशन आइलैंड्स पर लौटता है, तब फिर यहाँ पर बोजैक्सी तांक्षिंग को तांक्षन के बारे में बताती है और साथ ही उसकी असुरा के सौड के बारे में बताती है जो कि यहाँ पर उसने उसके लिए छोड़ा था। और फिर यहाँ से तांक्षिंग के पास दो चॉइसेस होती है कि आखिर वह यहाँ पर किस गॉड को इनहेरिट करना चाहता है, कि क्या वह यहाँ से आगे एक सी गॉड बनना चाहता है या फिर अपने ग्रैंडफादर तांक्षन के लेगेसी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है। और अब यहाँ से आगे इसका फैसला तांक्षन को करना है कि आखिर वह यहाँ से किस राह को चुनता है। और फिर यहाँ से आगे जो होता है वह यहाँ पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर इसमें थोड़ा वक्त है। और यहाँ पर तांक्षन के लिए उसका अगला ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि तीन जायंट एंट एम्परर्स है। और इन्हें को मारने के बाद यहाँ पर तांक्षिंग आगे अपने सिकॉर्ड के 9 ट्रायल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। और अगर आप यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर तांक्षिंग इन एंट्स को कैसे हराता है, तो अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करे यार, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।